नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं या नहीं बहुत सारे सेलर्स के अंदर ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को वो सेल कर सकते हैं या नहीं क्योंकि बहुत सारी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे एप्पल है या सैमसंग है या दूसरी जो अदर कंपनीज़ हैं उनके फर्स्ट कॉपी सेकेंड कॉपी मार्केट में अवेलेबल है जो कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल सेम ब्रांड से सेम नेम से और सेम दिखने वाला प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल हो रहा है तो लोग जानना चाहते हैं बहुत सारे सेलर्स जानना चाहते हैं कि उन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लाया जा सकता है या नहीं क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाते हैं और उन प्रोडक्ट्स पर अगर सेलर चाहे तो अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हैं तो आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या नहीं शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दे आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जितने भी डुप्लिकेट प्रोडक्ट्स होते हैं जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के कॉपी होते हैं फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी जिनको मार्केट में बहुत ही चिप प्राइस में सेल किया जाता है ऑफलाइन मार्केट में अगर किन्हीं का शॉप है तो वहाँ पर वो डुप्लिकेट प्रोडक्ट्स सेल करते हैं जो फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स हैं या सेकंड कॉपी प्रोडक्ट्स हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल कर रहे हैं उनको कोई रोकने वाला नहीं है कोई क्लेम करने वाला नहीं है कोई पकड़ने वाला नहीं है तो वो धड़ल्ले से जो है ये प्रोडक्ट सेल होते हैं बहुत बार आपने देखा होगा आप ट्रेन से सफ़र करते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो बाहर में बहुत सारे लोग स्टॉल बना के इन डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं या बड़े बड़े बाज़ार जो लगते हैं वहाँ पे लोग सड़कों में इस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और अच्छा खासा मार्जिन जो है वो कमा लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप शॉप में या आप ठेले पे प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप सेल कर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन अगर आप डुप्लिकेट प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं तो आप बहुत बड़े पचड़े में फंस सकते हैं क्योंकि सबसे पहले तो आपको ब्रांड ऑथराइजेशन वो नहीं मिलेगा डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स का आप चाहे कितना भी आप प्रयास कर लो आप चाहेंगे कि मुझे एप्पल का ब्रांड ऑथराइजेशन मिल जाए और उसके बाद मैं डुप्लिकेट प्रोडक्ट सेल करूं तो आपको कभी नहीं मिलेगा आपको एप्पल के जो मेन सोर्स है वहां से प्रोडक्ट को आपको बाय करना होगा तभी आप जो है ब्रांड ऑथराइजेशन ले सकते हैं किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स चाहे वो एप्पल हो या सैमसंग हो या रेडमी हो या रियलमी हो या और भी दूसरे जो बिग ब्रांड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे क्लोथ्स के प्रोडक्ट्स हैं या और दूसरे कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं तो जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप जब आप सही सोर्स से प्रोडक्ट को बाई करेंगे तभी आपके पास ब्रांड ऑथराइजर लेटर होगा उन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल करने का मान लीजिए कि आपने किसी बिग ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर ले लिया उनसे एक बार आपने प्रोडक्ट बाई किया और आपने उन प्रोडक्ट्स को सेल भी किया उसके बाद आप उन्हीं उसी ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर की हेल्प से मदद से आप मार्केट से डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स लाकर आप सेल कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर कस्टमर ने कभी कंप्लेन कर दिया या एक भी शिकायत आपके प्रोडक्ट को लेकर दर्ज हो गई उसके बाद आपके प्रोडक्ट को चेक किया जाता है और उसके बाद सही पाने पे आपका जितना पेमेंट है वो होल्ड हो जाता है आपका जो अकाउंट है सेलर अकाउंट उसे सीज कर दिया जाता है और हो सकता है कि आपके ऊपर केस भी कर दिया जाए क्योंकि ये एक फ़्रॉड की गिनती में आता है आप किसी भी कंपनी के साथ फ़्रॉड नहीं कर सकते हैं आपने ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लिया हुआ एप्पल का और आप एप्पल के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं मीन्स कि आप एप्पल की जो ब्रांड वैल्यू है उसको खराब कर रहे हैं आप एप्पल के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है एक केस आपके ऊपर हो सकता है और उसके बाद जो आपका करियर है ई कॉमर्स का वो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है तो बहुत सारे लोग जो ये कन्फ्यूजन मार्ग में बना के बैठे हुए हैं कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो हैं फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी प्रोडक्ट्स ले आए और अच्छा खासा मार्जिन कमाने लगे तो ऐसा नहीं कर सकते हैं अगर आपको कुछ समय के लिए आपको करना है तो फिर शायद मे भी लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आपको ई e कॉमर्स पे खड़े रहना है स्टेबल रहना है स्टे करना है तो आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट से दूर रहना है क्योंकि जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की जो गारंटी होती है एंड वारंटी होती है वो ब्रांडेड जो कंपनीज होती है वो देते हैं तो वहाँ पे आप जब भी वो प्रोडक्ट लेकर वहाँ पे जाएंगे तो उनको तुरंत पता चल जाएगा कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है उनका जो सीरियल नंबर है या उनका जो कोड है वो मिस होगा और उसके बाद आप पकड़े जाएंगे तो ये जो चीज़ है वो कभी ना करें अगर आप एक जेनविन प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं आप नन ब्रांड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएँ जिनमें कोई ब्रांड का मोहर नहीं है या स्टाम्प नहीं है और नन ब्रांड प्रोडक्ट्स को आप अपना ब्रांड जो है क्रिएट करें ट्रेडमार्क ले और उसके बाद सेल करें बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपको ट्रेडमार्क भी लेने की आवश्यकता नहीं है ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स जो नन ब्रांड है उसमें आपको ट्रेडमार्क लेने की आवश्यकता नहीं है आप बिना ट्रेडमार्क का एक आप नाम कोई अच्छा सा सोच कर उस नेम से आप प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं जब आपका सेलर अकाउंट रन करने लगे बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे उसके बाद आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं लेकिन डुप्लिकेट प्रोडक्ट सेल करने के बारे में कभी ना सोचें क्योंकि ये आपके बिजनेस को बर्बाद कर सकता है और आपको भी और सारा कन्फ्यूज़न बिल्कुल आप क्लियर कर ले कि आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स नहीं सेल करने हैं और ऐसे भी अगर आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे तो लोग आपके प्रोडक्ट्स को रिटर्न करेंगे और रिटर्न करने के बाद आपका जो सेलर अकाउंट का रेटिंग है वो भी ख़राब हो जाएगा तो ऐसे भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे तो इन चीज़ों का सहारा नहीं लेना है बिल्कुल जेनविन रहना है और अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो करना है अभी तक के लिए इतना ही इस तरह के टेक अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू